Hey guys, this is me Simran. Welcome back to my channel Simmi Makeover. So guys, प्रोडक्ट शेयर करूँ जो गुड वाइब्स के हैं और ये आपकी स्किन पे कोई भी डैमेज नहीं करेंगे. अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है इन प्रोडक्ट के बारे में तो आपका इस वीडियो को देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दो सो जो और भी हेल्पफुल होगा. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वो भी चेकआउट कर लेना. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़हिप का टोनर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक टाइप कंटेनर है, ऐसा नहीं है नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. और इसकी कैप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और ऐसा नहीं है लीक होता है, ये बिल्कुल स्प्रे फॉर्म में ऐसे, और ये ओपन होता है पूरा. जैसे आपका ये खाली जाता है तो आप इसमें रोज़ वाटर फिल कर सकते हो, या फिर जैसे आपको घर में बनाना है टोनर तो आप घर में भी बना सकते हो, बहुत ईजी होता है. सो ये इस टाइप का है और आपको इसमें 120 ml मिलता है तो आपका काफ़ी टाइम तक ईजिली चल जाएगा, जल्दी से ख़त्म नहीं होगा. को जब आप इसे खरीदोगे तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर लेना. और इसका प्राइस है मतलब 30% ऑफ में आपको ये 139 का मिलेगा और वैसे इसका प्राइस है 199. बहुत ही अच्छा टोनर है. और आपको मैं सबसे पहले बता दूँ टोनर का काम क्या होता है, टोनर का यूज़ क्यों करते हैं और इसे यूज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुतों के क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि टोनर हम ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं है. टोनर लगाना आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, इतनी ज़्यादा डर्ट प्योरिटीज आपके फेस पे आ जाती है तो आप उससे आपके एक्नेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जो वेब्स के टोनर की बात करते हैं, जो ये टोनर्स होते हैं वाटर बेस्ड लिक्विड होता है जो आपके फेस का पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है जो हमारा टोनिंग हम जब कर लेते हैं तो ये हमारे फेस को अच्छे से नरिश कर देता है, आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है. और आपको कोई भी मतलब जैसे किसी के फेस पे डिहाइड्रेशन होता है या फिर कोई भी डलनेस होती है या कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती है, जो भी क्लॉग्ड पोर्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं इससे. सो इसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है. आपको अपना फेस वॉश करना होता है, आपको मतलब क्लींजिंग करनी होती है, देन टोनिंग करनी होती है, देन मॉइस्चराइजर करना होता है. और आप सीरम भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन कि आपको कौन सा सीरम अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए. किसी की ऑयली स्किन है तो उनके लिए भी अलग होता है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी अलग होता है. सीरम और टोनर आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए, तो आप इसे कोई भी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं. सो ये सारी स्किन के लिए बेस्ट रहेगा. जो टोनर की स्पेशलिटी है ये अल्कोहल फ्री है, पैराबिन फ्री है और सल्फेट फ्री है, तो आपकी स्किन पे कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है. तो आपकी स्किन पे जितने भी इसमें आप जो भी इसे यूज़ करोगे वो भी इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करें. इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है वो रोज़हिप का हुआ है, तो रोज़हिप आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जो फाइन लाइंस होती है उसे रिमूव करता है और आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है. सीरियसली मैं इसे यूज़ करती हूँ. आपको इसे यूज़ करने का मतलब इसका जो मेन तरीका है मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज़ करते हैं. बस जब भी आप इसे यूज़ करोगे आपको इसे शेक करना है, देन नॉर्मली आपको अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है. तो मैंने अभी इसे स्प्रे नहीं करा था, मैं अब करूँगी इसे स्प्रे. इसको आपको थोड़ा सा अपने फेस से दूर रखना है, देन आपको स्प्रे करना है इसे ऐसे बस नॉर्मली इतना स्प्रे करना है और इसे ऐसे एयर ड्राई कर लेना है. जब ये एयर ड्राई हो जाएगा आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आएगा. जब आप इसे स्प्रे करोगे ना ऐसा लगेगा बिल्कुल रिफ्रेश हो गया आपका फेस और आपकी स्किन को बहुत सूदन करता है. आपको जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है जैसे कहीं पे इरिटेशन हो रही है तो थोड़े से इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो शायद से मे बी इरिटेशन हो जाए फेस पे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करा था तो मुझे हुई थी थोड़ी सी मतलब जलन सा, ऐसा लग रहा था कुछ जल रहा है फेस पे, बट ऐसा नहीं है. थोड़े टाइम बाद ये नॉर्मल हो जाता है वैसे ही और मेरा काफ़ी ख़त्म भी हो गया, मतलब इतना हो गया है ये. तब मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट है. मेरे पास दोनों ही रोज़हिप के हैं, सीरम भी और टोनर भी. जो टोनर के बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं सीरियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किन का पीएच लेवल ये मेंटेन करके रखता है, बिकॉज अगर आप रोज़ क्लींजिंग करते हो मतलब कभी कभी हो जाता है ना कि आपको स्क्रबिंग ज़्यादा हो जाती है. क्लींजिंग मतलब एक फेस वॉश टाइप अलग क्लींजिंग हो जाती है और आप जो स्क्रबिंग करते हो उससे आपकी स्किन का पीएच लेवल बिगड़ जाता है. तो इसलिए हमें स्क्रबिंग भी वीक में 2 ही बार करनी चाहिए, इससे आपका पीएच लेवल मेंटेन रहता है. और स्क्रबिंग वगैरह जो भी आप करते हो, जो भी आपका मतलब फेशियल टाइम जो भी आप करते हो उसके बाद आपको स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपको पीएच लेवल मेंटेन करना है तो अपना, सो टोनर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करता है और कोई भी आपके फेस पे डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती है उन्हें रिमूव करता है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया है. सो गाइज यही था आज का वीडियो, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो. सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मेरा चैनल आगे फॉरवर्ड कर देना. ओके, बाय बाय.